2 अप्रैल को भारत बंद की घटना में अनुसूचित जनजाति के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी मुद्दे को लेकर बसपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बस में गिरा गया, वो सब चीजें वीडियो में आप लोगों ने देखी, और उसके बाद मेरठ जिले में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में और सभी जगह पर जिस तरीके से खास तौर से चिन्हित कर करके बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष थे जिले के और मुंडा लोग थे, उनको घेरने का काम शुरू हुआ, उनको पकड़ने का काम शुरू हुआ, और पकड़ने के साथ में मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज होने लगे। अगर कोई भीड़ में खड़ा भी है तो उसको निकाल करके और उसके ऊपर अज्ञात मुकदमे दर्ज करके, तो उसके लिए पूरा देश आज जहाँ तक लोग हैं आंदोलन के, तो हम लोग आज कल प्रेस आपने देखी थी, प्रेस हम लोग आज से लोगों ने समय मांगा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी से समय मांग करके आज मिले उनसे, उनको हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, ज्ञापन की प्रति आपको भी दे दी जाएगी इसके बाद, और उनसे हम लोगों ने ये सारी बातें जो हम आपसे कह रहे हैं उनके सामने भी रखी, और हम लोगों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए, इसको बहाने की जगह आपको इसको थामने की कोशिश करनी चाहिए, और ये पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने चाहिए कि जिससे कि वो लोग जो गलत और फर्जी तरीके के लोगों को, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, उसको तुरंत रोकें, वरना सिचुएशन हाथ से बाहर। प्रतिनिधिमंडल द्वारा आंदोलन के नाम पर दलितों के उत्पीड़न एवं पुलिस अत्याचार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने तथा फर्जी मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई है। एसपीएन नई रूम की रिपोर्ट।